जाएगा वीकेंड कर्फ्यू, बाजारों में ऑड इवन सिस्टम भी खत्म होगा, प्राइवेट दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना के घटते मामलों के बीच सीएम केजरीवाल की ओर से मंजूरी मिली है। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। तो इससे पहले आपने देखा कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे और जिसको देखते हुए कई बड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन अब उन कदमों में तब्दीली ये है कि अब दिल्ली को एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने की योजना है। तीन चीज़ों के रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए लिखा है, एक तो इवन और जो दुकानों का है उसको ख़त्म करने के लिए, दूसरा वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म करने के लिए, और तीसरा जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने के लिए। तो उनसे निवेदन किया गया है कि इनको अलाउ किया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब जो कोरोना का जो बहुत बड़ा खतरा था वो कम चल रहे थे, क्योंकि जब संक्रमण दर 5% से बढ़ने लगी, पार जाने लगी, तब प्रतिबंध लगाना शुरू हुआ। और चूंकि अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए और संक्रमण दर की बात की जाए, तो लगातार बीते 10 दिनों से अगर बात की जाए तो गिरावट देखी जा रही है, और जिसके चलते अभी आपने कहा कि तीन जो प्रतिबंध थे उनमें उनको हटाया गया, एक वीकेंड कर्फ्यू की बात की गई, अब वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, ऑड इवन प्रतिबंध है उसको हटाया जाएगा, और जो वर्क फ्रॉम होम में जो प्राइवेट दफ्तर तब्दील किए गए थे अब उनको 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है। देखिए क्या फर्क होगा, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि अब जो प्रतिबंध है उन्हें हटा दिया। यहाँ पर 44 दुकानें हुआ करती थी अंजलि, लेकिन अब 22 दुकानें आज खुली हुई है क्योंकि ऑड इवन लगा हुआ है। इसी के साथ ही ये जो एक दुकान आप देख रहे हैं वो महीने में सिर्फ 10 दिन खुलती थी, क्योंकि आप देखेंगे वीकेंड कर्फ्यू की वजह से 2 दिन वैसे ही दुकान बंद रहती थी और 1 दिन ऑड इवन की वजह से। तो ये एक दुकान सिर्फ महीने के 30 दिन में से 10 दिन खुलती थी। व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान थे और उनको यही इंतजार था कि लगातार जो केसेस कम आए और उसके बाद में जो प्रतिबंध लगाया गया उसको हटाया जाए। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, जरा हम उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली सरकार ने कहा कि अब ऑड इवन हटाया जाएगा, वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम राजेश गुप्ता है सर, मैं यहाँ का स्टॉल का ओनर हूँ। हमारे को इससे ज़्यादा दिल से खुशी मिलेगी अगर हमारे को 300 दिन काम करने को मिलेगा। मैम, हम 300 दिन काम करके अपने बच्चे नहीं पाल सकते, और 10 दिन में तो हम अपनी पूंजी खा रहे थे, जो भी हम यहाँ से लेके जा रहे थे सिर्फ हम अपने चाय पानी के लिए जो पैसे लेके आ रहे थे, वो जो इस बात की जरूरत है कि दिल्ली में संक्रमण दर जो है वो दिनों दिन घट रहा है, और इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये तीन बड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। वीकेंड कर्फ्यू